एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत आसानी से कट क्रीज आई मेकअप कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना कंसीलर लगाए क्रीज को कट करने के लिए। और आपकी किसी भी तरह की आई शेप हो, छोटी बड़ी या हुडेड आईज, जैसे भी आपकी आई शेप हो उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आईज़ के ऊपर सबसे पहले ये कंसीलर लगा रही हूँ और ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर है। तो इसको मैं इस तरह से बेस के हिसाब से मैं इसको लगा रही हूँ। आप इसकी जगह पर कोई भी दूसरा कंसीलर जो भी आपके पास हो घर पर वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी आंखों पर इसकी एक अच्छी लेयर आप लगा लीजिए कंसीलर की। और उसके बाद बहुत ही हल्का सा ये पाउडर मैं लगा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा हल्का सा लगाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना। और यहाँ पे मैंने टेप लगाया है जिससे कि आपको शेप देने में बहुत आसानी होगी। और अब ये पर्पल शेड लिया है मैंने, और ये ब्रश जो है ये रियल टेक्निक्स का ये डिटेलर ब्रश है, बहुत ही छोटा सा और इस तरह का ये थिन सा ये ब्रश है। तो मैं इसको इस तरह से लगा कर और अभी क्रीज पर मैं इस तरह से मैं इसको शेप दूंगी। तो हमको अपनी आंखों की शेप को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें इसको शेप देना है। तो ये बिल्कुल हमें क्रीज और जो हमारा आईलिड होता है उसके बिल्कुल बीच में हमको वहां पर ले जाना है अपनी आईज के शेप के हिसाब से। और पिंक कलर अब ये जो मैंने लिया है ये मॉर्फी का पैलेट है। आप इसकी जगह पर जो भी कोई पैलेट आपके पास हो या जो भी कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने पहले किया था आपको इस तरह से ये शेप बना लेना है। तो मैं ऐसे इसको लगा रही हूँ और ये पर्पल शेड अब मैं यहाँ पे किनारों पर मैं इसको लगा रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी कट क्रीज ये बन चुकी है क्योंकि इस तरह से आपने ये शेप दे दिया है। तो कट क्रीज का बेसिकली यही काम होता है। तो अब ये दोनों शेड लेकर अब मैं जो हमने क्रीज बनाया है इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा और कलर मैं लगाने के लिए। तो बाहर की तरफ जैसे आपने देखा मैंने हल्का सा छोड़ा हुआ है और इसको इस तरह से ये दोनों कलर को मिक्स करके मैं इस तरह से ये छोटा ब्रश है, छोटा फ्लैट ब्रश है मॉर्फी का, उसकी हेल्प से मैं इसको इस तरह से क्रीज पर थोड़ा सा डार्क एक शेडो देने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ। और साथ साथ में इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी करती जा रही हूँ इस वाले ब्रश से। ये राउंड ब्लेंडिंग ब्रश है जिसका नाम है ये लेको का ब्रश है। और हल्का सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लेकर और ब्लेंड कर दिया है उसको। और अब मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ और ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है। तो जहाँ पर हमारा ये क्रीज का है एरिया ये थोड़ा सा और इसको हम डार्क करेंगे। और दोबारा से पिंक कलर मैंने लगाया है तो इसको भी थोड़ा सा हम और डार्क करेंगे। और अब ये वेट एंड वाइल्ड का मैंने हाइलाइटर लिया है और इसको मैं आईब्रो के बिल्कुल नीचे इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो दोनों आँखों में जैसे कि आप देख रहे हैं मैं साथ साथ ही करते जा रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया भी होगा। आप दोनों आँखों में साथ साथ में करते जाएंगे कि छोटा बड़ा ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो साथ साथ में दोनों आईज पर आप करते रहिए। और अब ये लाइट पर्पल कलर का मैंने शेड लिया है और अब ये गोल्डन कलर लिया है मैंने और ये भी मॉर्फी का ही पैलेट है। और पहले जो हमने ब्रश यूज़ करा था डिटेलर वाला ब्रश उसी को लेकर और मैं इस तरह से इसको लगा रही हूँ। और इस तरह से इसको मैं जहाँ पे भी हमने छोड़ा हुआ है अपना ये आईलिड का तो वहाँ पर मैं इसको पूरे में इसको मैं भर रही हूँ। और आपके पास जो भी कोई कलर हो, जो भी कोई पैलेट हो, जो भी आपके बजट में आता हो आप वो लेकर उसको उसको आप यूज़ करिए। तो कोई भी पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा।
और अब ये मैंने पिगमेंट लिया है, ये इंगलॉट का पिगमेंट है, ये ऐसे ही ले लिया है मैंने, बस थोड़ा सा गोल्डन कलर को थोड़ा और उभारने के लिए, तो बस हल्का सा शाइन आ जाएगा बस, और कोई खास बात नहीं है। और बाहर में जो हमने हल्का सा निकाला था, वहाँ पे हल्का सा फाउंडेशन लेकर या कंसीलर आप ले लीजिए, तो बस इस तरह से आप हल्का सा कर लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा बस। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, लेकिन करके मैं आपको बस दिखा दे रही हूँ। तो अब आपने जैसे कि देखा, ये हमारा आई मेकअप जो है, यहाँ पे आई शेडो वगैरह का काम आईलिड पे और क्रीज़ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बिना कंसीलर के क्रीज़ बनाए हुए भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कंसीलर से उसको कट किया है, जैसे कि नॉर्मली मैं करती हूँ वीडियोज़ में अपने। और अब लाइनर लगा लिया है मैंने, और यहाँ पर अब मैं बस मस्कारा लगा रही हूँ। और अब हम लोअर लैश लाइन पर लगा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने पहले ये ब्राउन कलर लिया है जो मैंने पहले दिखाया था पैलेट में, और अब ये बाहर की तरफ मैंने पर्पल शेड लिया है जो ऊपर लगाया था, तो ब्राउन के साथ में उसको भी मैं हल्का सा ऐसे मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे वही वाला सेम गोल्डन शेड मैंने लगाया है, और ये कीको मिलानो का मैंने काजल लिया है और मस्कारा भी उसी का ही लिया है, तो मैं पहले काजल लगा रही हूँ यहाँ पर। और अब लोअर लैशेस पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ। और अब ये लैशेस लगाई हैं मैंने, और इनको मैंने डुओ के ग्लू से मैंने लगाया है। आप चाहें तो लैशेस लगाइए, नहीं मन है मत लगाइए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको पूरा जो लुक है वो मैं आपको लैशेस वगैरह सबके साथ में दिखा रही हूँ। तो बस ये फिनिश है लुक, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए सारे ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रोडक्ट्स के भी, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में जिनको भी मेकअप पसंद हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।